क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में बड़े बड़े फैसले खुद नहीं कर पाते हैं? क्या नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक करियर के तमाम बड़े फैसले लेने के लिए किसी दूसरे नेता का साथ चाहिए होता है? क्या नीतीश कुमार ने जितने भी गेम चेंजर सियासी फैसले किए हैं उसके पीछे वो खुद नहीं बल्कि कोई और है? और क्या अब नीतीश कुमार खुद से कोई ऐसा बड़ा फैसला करेंगे जिसे बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा सरकार बन जाएगी? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि आखिर किसके कहने पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे और महागठबंधन का हिस्सा बनकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ने और महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कोई भी अहम फैसला खुद नहीं ले पाते हैं? क्योंकि अभी का ही देखिए तो नीतीश कुमार कह ही रहे हैं कि बीजेपी छोड़ महागठबंधन में वो शामिल हुए क्योंकि उनके कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐसा करने को कहा। इससे पहले भी नीतीश कुमार बता चुके हैं कि जब उनकी पार्टी की ओर से आरसीपी सिंह को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया तो वो फैसला भी नीतीश कुमार का नहीं बल्कि खुद आरसीपी सिंह का ही था। उससे भी पहले की बात करें तो जब 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया और उस वक्त अंतरात्मा की आवाज़ की बात की तो वो फैसला भी नीतीश का नहीं बल्कि अशोक चौधरी का था और इस फैसले को लेने में मदद की थी सुशील मोदी ने। उससे भी पहले जाएं तो जब प्रशांत किशोर जेडीयू में शामिल हुए थे और पार्टी के उपाध्यक्ष बने थे तो नीतीश कुमार ने कह दिया था कि प्रशांत किशोर की जेडीयू में एंट्री अमित शाह के कहने पर हुई थी। अब वो आया कैसे भाई, हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करे ही ज्वाइन करे। उससे भी पहले की बात करें तो महागठबंधन में शामिल होने के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को ही जिम्मेदार बताया था। तो क्या नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर पकड़ इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें बड़े फैसलों के लिए नेताओं के बैसाखी की जरूरत पड़ रही है? सीएम नीतीश के बयान तो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। बाकी सीएम नीतीश ने फिर से अपने एक बड़े सियासी फैसले के लिए दो नेताओं का नाम ले लिया है तो इस टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा सियासी फैसला करने वाले हैं, क्योंकि ये बयान तब आया है जब नीतीश कुमार कुढ़नी में हुआ उपचुनाव हार गए हैं और इस सीधे मुकाबले में उनके प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मात दे दी है। शायद इसकी वजह से नीतीश कुमार महागठबंधन से असहज हो गए हैं और शायद यही वजह है कि जब इस उपचुनाव के नतीजे नहीं आए तो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे नीतीश कुमार 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक में शरीक ही नहीं हुए, लेकिन नतीजे आने और जेडीयू के हारने के बाद जब पीएम मोदी ने 11 दिसंबर को बैठक बुलाई थी तो सीएम नीतीश कुमार उस बैठक में मौजूद थे। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, उनके कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे और अब राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब दो सीट आपको आई थी आपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी सवाल तो कई महीनों से बरकरार ही है कि क्या वाकई नीतीश कुमार का बीजेपी से गठबंधन पूरी तरह टूट गया है? अगर इसका जवाब हाँ में होता तो फिर राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश होते ही नहीं, क्योंकि हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और उपसभापति भी। अगर नीतीश कुमार का वाकई बीजेपी से इतना ही मोहभंग हुआ होता तो फिर वो उपसभापति हरिवंश को भी इस्तीफा दिला देते और बीजेपी अपने या अपने किसी सहयोगी पार्टी से उपसभापति बना देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर सवाल उठा दिए हैं। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में,
लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं वो जदयू के एमपी हैं, और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। अब नीतीश कुमार अपने फैसले के लिए दूसरे नेताओं का नाम ले रहे हैं, तो क्या अब नीतीश कुमार खुद फिर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्योंकि वो जब भी किसी का नाम लेते हैं चंद दिनों बाद ही कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं। क्या इस बार भी यही होगा और इसकी तात्कालिक वजह कुढ़नी उपचुनाव बनेगा, या फिर नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने की कोशिश करते रहेंगे और 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए वो विपक्षी नेताओं को एक मंच पर जुटाने की कोशिश में लगे रहेंगे? नीतीश के किसी भी फैसले के लिए थोड़ा इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।